हाउ मैनी सिस्मिक स्टेशन आर रिक्वायर्ड टू लोकेट द एपिसेंटर ऑफ एन अर्थक्वैक। किसी अर्थक्वैक का एपिसेंटर निकालने के लिए हमें कितने सिस्मिक स्टेशन की ज़रूरत पड़ती है? तो हमें एटलीस्ट 3 सिस्मिक स्टेशन की नीड होती है। तो ऑप्शन 1 करेक्ट है। 3 क्यों होती है? देखिए, जैसे मान लीजिए एक सिस्मिक स्टेशन है आपका, वो आपका बताता है कि ये कोई ए पॉइंट है, ठीक है, ये एपिसेंटर को बताता है, ठीक। तो ये क्या, जो पहला सिस्मिक स्टेशन है तो वो इसकी पॉइंट तो उसने बता दिया कि ये जो ए पॉइंट है यहाँ से इसका एपिसेंटर हो सकता है अर्थक्वेक का, बट वो इसकी डायरेक्शन नहीं बता पाएगा। तो मान लीजिए फिर उससे रिलेटेड हम उसके चारों ओर सर्कुलर सर्किल जो होता है वो ड्रा कर देते हैं, ठीक है। अब ऐसे ही दूसरे का देखते हैं, दूसरा जो सिस्मिक स्टेशन होता है उसने बताया मान लीजिए ये कोई बी पॉइंट है जो एपिसेंटर है आपका, ठीक है। तो सेम उसके साथ हम करते हैं, तो ये दो हमको इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिल जाते हैं, यानी कि इसमें ये कंफर्म हो जाता है कि या तो ये पॉइंट हो सकता है ये। अब हम तीसरे वो सिस्मिक स्टेशन की भी रीडिंग देखते हैं, तो वो आपका क्लियर कर देता है जहाँ पे ये तीनों सर्कल, जैसे मान लीजिए उसने ये बताया सी है, ठीक है, यहाँ कहीं, तो जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट आपका आता है फाइनल, वही आपका एपिसेंटर निकलता है, और इन तीनों के आधार पर उसकी डायरेक्शन भी पता चल जाती है हमें। तो इसलिए हमें एटलीस्ट 3, कम से कम 3 सिस्मिक स्टेशंस की ज़रूरत पड़ती है। मध्य प्रदेश शेयर्स इट्स बॉर्डर विद हाउ मैनी स्टेट्स। जो मध्य प्रदेश है वो कितने स्टेट्स को टच करता है? तो देखिए आप मैप में, ये अपना मध्य प्रदेश हो गया, ठीक है। तो देखिए इसकी ये बाउंड्री कहाँ कहाँ टच कर रही है, उत्तर प्रदेश को कर रही है, ठीक है, छत्तीसगढ़ को कर रही है, और ये आपकी महाराष्ट्र को कर रही है, गुजरात को कर रही है, और राजस्थान को कर रही है। तो 1, 2, 3, 4, 5 ऑप्शन 1 करेक्ट। पालघाट जॉइंस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। तो देखिए जो पालघाट है ये आपका वेस्टर्न घाट है ना, ये वाला, तो यहाँ पे जो हिली रीजन चलता है वेस्टर्न घाट में, ये कुछ इस तरीके से ऐसे से चलता है, तो ये यहाँ पे आके इसमें एक गैप पाया जाता है, फिर ये यहाँ से कंटिन्यू ऐसे हो जाता है, तो ये जो गैप है ये आपका गैप यहाँ पे कहलाता है पालघाट, और ये आपका यहाँ पे तमिलनाडु हो गया और ये केरल हो गया। इन दो स्टेट्स को ये ज्वाइन करता है और ट्रांसपोर्टेशन में भी काफ़ी हेल्प करता है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन जो है वो है तमिलनाडु एंड केरला, ऑप्शन 3। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट द रिजल्ट ऑफ अंडरग्राउंड वाटर एक्शन, का रिजल्ट कौन सा नहीं? तो ये फ्योर्ड्स जो आपका है ऑप्शन 1, ये अंडरग्राउंड वाटर एक्शन का रिजल्ट नहीं है, बाकी ये तीनों ही आपके हैं। एक्चुअली फ्योर्ड जो होता है वो हायर लैटिट्यूड पे होता है, हायर लैटिट्यूड, और ये लोअर लैटिट्यूड पे होता है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज द ग्रेट विक्टोरियन डेजर्ट इज लोकेटेड, कहाँ पर स्थित है? तो ये है आपका ऑस्ट्रेलिया में, मान लीजिए ये यहाँ पर आपका वर्ल्ड मैप में ऑस्ट्रेलिया है कुछ इस तरीके से, ठीक। तो ये आपकी लोकेशन ग्रेट विक्टोरियन डेजर्ट की ये है, वेस्ट साइड में और साउथ साइड में, ठीक है, ये वेस्ट हो गया और ये साउथ, तो इसलिए ये और ज़्यादा स्पेसिफिक पूछे तो वेस्टर्न एंड साउथ ऑस्ट्रेलिया, ये इस तरीके से भी पूछ सकते हैं, हालांकि इतना डीप में पूछेंगे नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टिपिकल फीचर ऑफ रिवर इरोजन इन यूथफुल स्टेज। रिवर के इरोजन से जो टिपिकल फीचर होता है वो आपका गॉज होता है, ठीक है, ऑप्शन 1 करेक्ट। जैसे मान लीजिए कोई लैंडमास एरिया है आपका, वहाँ से अगर आपकी रिवर फ्लो हो रही है तो ये कुछ लगातार रिवर के फ्लो होने से कुछ इस तरीके से डीप वैली टाइप या कटिंग टाइप बना देता है ये लैंडमास एरिया में, ठीक है, तो इस टाइप के पोर्सन को हम ये गॉज बोलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट डज नॉट शेयर बाउंड्री विद म्यांमार। म्यांमार के साथ कौन सा स्टेट है जो बाउंड्री नहीं टच करता है? तो वो है आपका आसाम, ऑप्शन 1। क्यों? देखिए ये 7 सिस्टर नॉर्थ ईस्टर्न जो स्टेट आपके कहलाते हैं उसमें देखिए, जैसे ये आपका अरुणाचल प्रदेश हो गया, फिर ये नागालैंड हो गया, फिर मणिपुर, फिर मिज़ोरम, और ये यहाँ पे आपका मेघालय, और ये आसाम है, ठीक है। तो देखिए आसाम का कहीं से, आसाम की बाउंड्री ये है, इसका कहीं से भी टच म्यांमार से नहीं है, और जबकि म्यांमार आपका ये है ये वाला पोर्शन, तो म्यांमार की बाउंड्री ये सब टच कर रही है ये, तो म्यांमार इन सबको तो टच करता है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, बट असम को नहीं करता है।
भवानी सागर डैम या लोअर भवानी डैम इज लोकेटेड इन विच स्टेट? तो ये है आपका तमिलनाडु में, ऑप्शन थ्री, ठीक है। और भवानी सागर डैम जो बना है ये आपका भवानी रिवर पे बना हुआ है, भवानी रिवर। और अगर तमिलनाडु में डिस्ट्रिक्ट भी पूछी जाए तो आपकी डिस्ट्रिक्ट है ईरोड, ईरोड डिस्ट्रिक्ट। दस्तकाविर डेजर्ट इज लोकेटेड इन विच कंट्री? तो ये आपका ईरान में है, ऑप्शन वन। विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर इज कॉल्ड बेरी स्फेयर? तो जो बेरी स्फेयर है उसको हम कोर भी बोलते हैं पृथ्वी का, ठीक है। तो जो सबसे इंटरनल लेयर होती है जो कि कोर कहलाती है, या उसी को बेरी स्फेयर बोलते हैं। तो आपका करेक्ट ऑप्शन देख लीजिए, अर्थ मोस्ट इंटरनल लेयर, ऑप्शन वन। द ब्लू नाइल रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग लेक्स? तो देखिए जो नाइल रिवर है वो आपकी दो नाइल रिवर, एक आपकी वाइट नाइल है और एक आपकी ब्लू नाइल है। तो ब्लू नाइल जो है वो ओरिजिनेट होती है आपकी लेक टाना से, और जो वाइट नाइल है वो आपकी लेक विक्टोरिया। तो यहाँ इन्होंने ब्लू पूछा है तो आपका ऑप्शन लेक टाना। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट परसेंटेज ऑफ ज्योग्राफिकल एरिया अंडर फॉरेस्ट एज पर द रिपोर्ट ऑफ द फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया? यहाँ पे मैं आपको 2019 की लेटेस्ट रिपोर्ट है उसी के अनुसार बताऊँगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दो चीज़ें समझनी है। सबसे पहले जैसे मान लीजिए कोई दो स्टेट की बात करते हैं, एक ये स्टेट है, ठीक है, और एक आपका ये स्टेट है, ये एरिया वाइज अलग अलग है, ठीक। अब यहाँ पे जो फॉरेस्ट कवर एरिया है मान लीजिए इतना है, और यहाँ पे जो फॉरेस्ट कवर एरिया है वो आपका इतना, ये सारा फॉरेस्ट कवर है और यहाँ पर इतना है। तो देखिए अगर आप एरिया वाइज देखेंगे, देखिए यहाँ एरिया बड़ा है तो उस हिसाब से देखेंगे तो आपका ऑप्शन चेंज हो जाएगा। और आप ये देखेंगे कि कम एरिया में फिर भी फॉरेस्ट कवर जो है वो बहुत ज़्यादा है, मेजर पोर्शन जो है वो फॉरेस्ट कवर ही है, तब उस हिसाब से आपका ऑप्शन अलग हो जाएगा। तो अगर एरिया वाइज में आप देखेंगे कि सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर कौन करता है तो आपका ऑप्शन हो जाएगा मध्य प्रदेश नंबर वन पे, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा एरिया वाइज, क्योंकि एमपी का एरिया काफ़ी बड़ा है ना, एरिया वाइज स्टेट बड़ा है, और उसमें वो फॉरेस्ट कवर एरिया आप देखेंगे तो उसके कंपैरिजन में इस वाले कंपैरिजन में जो लो हो जाएगा जो मैं अभी आपको बताऊंगा। अब देखिए एरिया वाइज कि एरिया तो छोटा है लेकिन उसके बावजूद भी फॉरेस्ट कवर एरिया वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन यहाँ पे आ जाएगा मिज़ोरम, इस वाले के हिसाब से तो ये आपका ऑप्शन है मिज़ोरम। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन मिज़ोरम है, एमपी तो दिया नहीं है, तो आपका करेक्ट ऑप्शन तीन है। अब आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए मिज़ोरम 85% अप्रॉक्स, लेट से ये आपका 50% हो, आप इससे क्लियर समझ लीजिए। देखिए इसके एरिया में 50% में ही फॉरेस्ट कवर एरिया है, और इसका जो 100% ज्योग्राफिकल एरिया उसमें 85% में ही फॉरेस्ट लगे हुए हैं। तो ये डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन आपसे पूछा किस तरीके से गया है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। एट विच द फॉलोइंग टाउन्स द अलकनंदा एंड द भागीरथी कम्बाइंस टू फॉर्म रिवर गंगा? ये एन कुछ नहीं है, आप अलकनंदा और भागीरथी मिलकर कब रिवर गंगा बनते हैं, किस जगह पर? तो देखिए किस मतलब शहर में पूछा गया है। तो सबसे पहले ये देखिए जो भागीरथी है ये आपकी निकलती है गंगोत्री ग्लेशियर से, गंगोत्री ग्लेशियर। और अलकनंदा जो आपकी निकलती है ये आपकी निकलती है सातोपंत ग्लेशियर। जैसे ये पॉइंट मान लीजिए ये गंगोत्री ग्लेशियर हो गया, और एक ये मान लीजिए ये आपका सातोपंत हो गया। तो यहाँ से आपकी अलकनंदा आ रही है और ये आपकी भागीरथी आ रही है, तो ये आके आपकी जहाँ मिलती हैं ये ज्वाइन करती हैं, तो ये लोकेशन कहलाती है देवप्रयाग, जहाँ से ये जो नदी आगे फ्लो होती है तो ये गंगा कहलाती है। यहाँ तक अभी ये गंगा नहीं कहला रही, यहाँ पे अभी दो नदी हैं, एक आपकी है भागीरथी और एक है आपकी अलकनंदा, ठीक है। एक तो ये क्वेश्चन हो गया, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका हो गया देवप्रयाग। अभी क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि जब यहाँ पे ये गंगा नदी बन जाती है तो ये फर्स्ट टाइम किस सिटी में
लैंड एरिया पे आती है, मतलब जमीन पे। अभी तो ये जो फ्लो हो रही है ये पहाड़ी वाले एरिया में हो रही है, तो ये आती है आपकी हरिद्वार में, तब ऑप्शन आपका हरिद्वार हो जाएगा। ये भी पूछा गया क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन एंड वेदर सिस्टम इज फॉल्स, जो गलत है वो पूछा गया। ये अपने आप में ही एक लंबी प्रोसेस है, इसको पढ़ाऊंगा तो पूरा एक लेक्चर चाहिए होगा। तो इस क्वेश्चन को आप देख लीजिए, इसका जो आंसर है वो ऑप्शन थ्री है, ठीक है। द प्रेशर ग्रेडियंट इज ए वीक वेयर द आइसोबार्स आर क्लोज टू ईच अदर एंड इज स्ट्रॉन्ग वेयर द आइसोबार्स अपार्ट। ये इसका करेक्ट ऑप्शन, मतलब जो यहाँ पे गलत दिया गया है, बाकी इसके कंटेक्स्ट में सही दिए हुए हैं। द एटमॉस्फेयर ओनली कंटेन्स व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल ग्लोबल कार्बन, जितनी ग्लोबल कार्बन है उसका कितना परसेंटेज एटमॉस्फेयर में पाया जाता है, तो वो ओनली आपका 1% पाया जाता है, 1%, ऑप्शन वन। विद रिफरेंस टू द इंटीरियर ऑफ द अर्थ कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, तो देखिए पहला स्टेटमेंट है पी वेव्स वाइब्रेट परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द वेव। देखिए सबसे पहले आप दो चीज़ें समझिए, वेव दो टाइप की आपकी रहती हैं, एक तो होती है आपकी लॉन्गिट्यूडनल और एक होती है आपकी ट्रांसवर्स, और ये दोनों वेव के चलने के जो मूवमेंट होता है उस पर डिपेंड करती हैं कि कौन सी होगी कंसीडर होता है उससे। तो देखिए जो ट्रांसवर्स वेव होती हैं उसमें जो वेव है वो वाइब्रेट करती है परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द वेव। मान लीजिए अगर वेव इधर जा रही है तो जो वेव के पार्टिकल हैं वो उसके परपेंडिकुलर ऐसे अप डाउन इस तरीके से मूव करेंगे, तो इस टाइप की ट्रांसवर्स कहलाती हैं। और जो लॉन्गिट्यूडनल है जिस डायरेक्शन में वेव जा रही है उसी डायरेक्शन उसके जो वेव है उसी डायरेक्शन में वाइब्रेट करती है, तो इस टाइप की लॉन्गिट्यूडनल कहलाते हैं। ये जो होती हैं लॉन्गिट्यूडनल, ये लॉन्गिट्यूडनल वेव्स जो रहती हैं वो आपकी पी वेव्स रहती हैं, पी वेव्स, और ट्रांसवर्स जो होती हैं वो आपकी एस वेव्स होती हैं। तो देखिए जो वेव्स वाइब्रेट परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द वेव, ये जो प्रॉपर्टी इन्होंने दी है ये प्रॉपर्टी होती है ट्रांसवर्स वेव की, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है पी वेव्स, तो ये तो वैसे ही गलत हो गया क्योंकि पी वेव्स तो लॉन्गिट्यूडनल है, ये गलत हो गया आपका। द मीन थिकनेस ऑफ द ओशियनिक क्रस्ट इज 5 किलोमीटर, ये फैक्ट है, ये सही है। एस वेव्स कैन ट्रेवल थ्रू सॉलिड्स लिक्विड्स एंड गैसेस, ये गलत है, लिक्विड्स में नहीं चलती है, गैसेस में नहीं चलती है, सॉलिड में चलती है। और यहाँ पे इसको बता दें पी वेव जो होती है वो आपकी सॉलिड और लिक्विड दोनों में चलती है, तो करेक्ट ऑप्शन आपका केवल एक है, सेकंड, टू ओनली। डैश इज ए सिचुएशन व्हेन देयर इज ए प्रोलॉन्ग्ड लंबे समय से पीरियड ऑफ इनएडिक्वेट रेनफॉल, जहाँ पे बारिश ही नहीं हो रही है, पर्याप्त बारिश नहीं हो रही है, तो वो तो कंडीशन आपकी ड्रॉट कहलाएगी, सूखा, ठीक है। पहली बात मार्क्ड विद माल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सेम ओवर टाइम एंड स्पेस, ठीक है, समय के साथ वो माल डिस्ट्रीब्यूशन भी कंसिडर हो रहा हो। तो माल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन किसी भी सेंस में ये होता है कि अन इवेन, लिख दे रहा हूँ मैं, अन इवेन मतलब असामान्य या एक समान नहीं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ समथिंग किसी भी चीज़ का, ठीक है। तो बारिश कहीं पे तो बहुत ज़्यादा हो रही है, कहीं नहीं हो रही है, कहीं बिल्कुल सूखा ही पड़ गया, तो इस कंडीशन की, इस टाइप की कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, तो ये आपकी कहलाती है मेट्रोलॉजिकल ड्रॉट। मार्बल इज व्हाट टाइप ऑफ रॉक, ये किस टाइप की है, आपकी तीन टाइप की होती है ना, ऐसा ही है, मैंने पिछले लेक्चर में बताया सेडिमेंट्री, इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक, तो मार्बल जो है वो आपकी मेटामॉर्फिक कहलाती है, ऑप्शन वन। हाफ ऑफ द अर्थ्स क्रस्ट इज कंपोज्ड ऑफ विच मिनरल, ये एक फैक्ट है, याद कर लीजिए, ये फेल्डस्पार की बनी होती है, ऑप्शन फोर इज करेक्ट। अर्थ क्रस्ट जो भी लैंड वाला एरिया होता है पृथ्वी पे, लैंड मास एरिया, उसकी बात हो रही है, ठीक है। तो वो सबसे ज़्यादा जो बना होता है वो फेल्डस्पार का बना होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स इज़ सूटेबल फॉर ड्राई लैंड फार्मिंग, ड्राई लैंड फार्मिंग के लिए कौन से जो क्रॉप है वो सूटेबल है, तो वो है आपकी रागी। अर्थ सरफेस री इमिट्स हीट इन द फॉर्म ऑफ, देखिए जो अर्थ की सरफेस होती है वो सन से जो एनर्जी रिसीव करती है वो तो यूवी रेस के फॉर्म में करती है, ठीक है, लेकिन जब ये इसको वापस करती है, री इमिट करती है सरफेस, तो ये इंफ्रारेड रेडिएशन के फॉर्म में करती है, तो ठीक है, ऑप्शन टू इज करेक्ट। क्लोरो फ्लोरो कार्बन, जिनको शॉर्ट में CFCs बोला जाता है, विच डिग्रेड ओजोन लेयर, जो ओजोन लेयर को नुकसान पहुंचाती हैं, आर यूज्ड एज विच ऑफ द फॉलोइंग, वो कौन सी हैं। तो देखिए जो फ्रिज में रेफ्रिजरेंट्स में जो पाई जाती हैं, रेफ्रिजरेटर में जो गैस भरी है, तो उसको CFCs बोलते हैं, लेकिन ये पुरानी बात है, ऑप्शन थ्री यहाँ पे। आजकल एक नई गैस है R32 जो ओजोन लेयर को कम डिफेक्ट करती है, वो इस्तेमाल की जाती है।
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग एटमोस्फेरिक सर्कुलेशन एंड वेदर सिस्टम जो है वो फॉल्स है, आपका गलत है। तो देखिए, द कोरियोलिस फोर्स एक्ट्स परपेंडिकुलर टू द प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स, ये आपका सही है। एक्चुअली ये रटने वाला क्वेश्चन है, इसका मैं करेक्ट ऑप्शन आपको बता देता हूँ, ऑप्शन फोर, द कोरियोलिस फोर्स इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द एंगल। ये आपका यहाँ पे गलत दिया गया, ये इन्वर्सली डायरेक्टली होता है, ठीक है। एक्चुअली ये अपने आप में बड़ा कॉन्सेप्ट है, अगर मैं इसको यहाँ पे डिस्क्राइब करना शुरू किया तो पूरा एक लेक्चर और चाहिए होगा, लंबा हो जाएगा लेक्चर, इसलिए आप इसको डायरेक्ट याद कर लीजिए। वाट परसेंट ऑफ कार्बन इज फाउंड डिजॉल्व्ड इन ओशियन, ओशियन में कार्बन जो है वो कितनी मात्रा में पाया जाता है, तो ये आपका पाया जाता है 71%, ऑप्शन फोर इज करेक्ट। विद रिफरेंस टू द इंटीरियर ऑफ द अर्थ कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, इंटीरियर ऑफ अर्थ के संबंध में हमको जो करेक्ट ऑप्शन है वो बताना है, ठीक है। देखते हैं एक एक ऑप्शन, द अर्थ कोर इज मेड अप ऑफ वेरी हैवी मटेरियल, ये सही है, ये आपका जिसको शॉर्ट में निफे भी बोलते हैं, मतलब निकिल और आयरन का बना होता है, ठीक है, तो ये आपका सही है। द मेंटल एक्सटेंड्स फ्रॉम मोहो, एक डिसकंटिन्यूटी होती है, टू ए डेप्थ ऑफ 2900 किलोमीटर, ये भी आपका एक फैक्ट है, ये सही दिया गया है यहाँ पे। जब ये आप इंटीरियर ऑफ अर्थ पढ़ेंगे उसमें आपको पता चलेगा कि मोहो डिसकंटिन्यूटी क्या होती है। और द मटेरियल इन द अपर मेंटल प्रोटीन, सॉरी, द मटेरियल इन द अपर मेंटल पोर्सन इज कॉल्ड मैग्मा, ये भी आपका सही है। तो आपके सारे ऑप्शन करेक्ट हैं, ऑप्शन थ्री। डैश इज ऑल्सो नोन एज सॉइल मॉइस्चर ड्रॉट, लो सॉइल मॉइस्चर रिजल्ट इन क्रॉप फेलियर्स। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि जो सॉइल में जो मॉइस्चर है अगर वो सूख जाए, मतलब मॉइस्चर कम हो जाए, और यहाँ पे एक दूसरा स्टेटमेंट दिया है, जब लो सॉइल मॉइस्चर हो जाता है तो वो क्रॉप फेलियर, मतलब फसलों को नुकसान पहुँचाता है। तो जब सॉइल का मॉइस्चर ही सूख जाएगा तो इस टाइप के जो ड्रॉट होते हैं उसको हम एग्रीकल्चर ड्रॉट बोलते हैं, क्योंकि ये सॉइल का संबंध एग्रीकल्चर से ही आ रहा है, ठीक है, ऑप्शन टू। ग्रेनाइट इज व्हाट टाइप ऑफ रॉक, ग्रेनाइट जो है आपकी वो इग्नियस है, ठीक है, ऑप्शन थ्री। निम्न में से किन में सिलिका पाई जाती है, सिलिका रेत, तो ये आपकी पाई जाती है क्वार्ट्ज में, ऑप्शन थ्री। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स इज सूटेबल फॉर वेट लैंड फार्मिंग, देखिए अभी ड्राई लैंड का आया था, ड्राई लैंड के लिए तो रागी थी, वेट लैंड मतलब कि वहाँ पे मॉइस्चर ज़्यादा है, मतलब पानी, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी ज़्यादा होगी, जिसकी वजह से जो सूटेबल क्रॉप रहेगी वो आपकी राइस रहेगी, क्योंकि राइस के लिए वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए। विद रिफरेंस टू द इंटीरियर ऑफ द अर्थ कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, वही हमें करेक्ट बताना है। इस टाइप के देखिए तीसरा क्वेश्चन इस लेक्चर में आ रहा है, और इसमें जितने भी क्वेश्चन दिए जा रहे हैं सब फैक्चुअली दिए जा रहे हैं, तो देखते हैं। द अर्थ रेडियस इज 6370 किलोमीटर, ये फैक्ट है, सही दिया है। और द डीपेस्ट ड्रिल एट कोला इन आर्कटिक ओशियन हैज सो फार रीच्ड ए डेप्थ ऑफ 12 किलोमीटर, ठीक है, ये भी आपका सही है। रॉक्स अलाउंग ए फॉल्ट टेंड टू मूव इन द सेम डायरेक्शन, ये आपका गलत है, ऑप्शन वन एंड टू इज करेक्ट। इस टाइप के क्वेश्चंस को अगर आप हैंडल कर पाते हो तो अच्छी बात है, नहीं कर पाते तो तब भी कोई बात नहीं है, क्योंकि ये फैक्चुअल हैं और आप कहाँ तक फैक्ट को याद रखेंगे। और आपको अपना टेक्निकल पोर्शन भी देखना है, तो ऐसा तो है नहीं कि आप सिर्फ जीएस पढ़ रहे हैं, तो इसीलिए अगर आपको आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता तो छोड़ दीजिए, अननेसेसरी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। पता चला इतने फैक्ट याद करने के लिए आप अपना बहुत ज़्यादा जो टाइम है वो लॉस कर दो। अकॉर्डिंग टू द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी ऑल द कॉन्टिनेंट्स फॉर्म्ड ए सिंगल कॉन्टिनेंटल मास नेम्ड, ठीक है। तो देखिए पहले जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी को आप शॉर्ट में ऐसे समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए ये एक आपका लैंड मास एरिया है, ठीक है, और एक ये आपका है ए और बी, तो ये इसमें एक दूसरे की तरफ मूव होते रहते हैं, मूव होके जब ये एक दूसरे से टकराते हैं तो एक न्यू लैंड फॉर्म कर लेते हैं यहाँ पे, ये अभी जो गैप दिख रहा है ये बाद में एक नया लैंड फॉर्म हो जाता है। तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी आपकी इस चीज़ को बताती है, हालांकि और डीप में भी चीज़ों को बताती है, तो फिलहाल आपके लिए इतना ही काफ़ी है। और देखिए तो इस तरीके से तो कौन सा लैंड मास जो आपका कॉन्टिनेंटल मास था जो बना था, तो देखिए दो थे इसी टाइप का, एक था आपका लॉरेशिया, ठीक है, और एक था आपका गोंडवाना लैंड, लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड, ये कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के अकॉर्डिंग एक दूसरे की ओर फिक्शन होके मिले और यहाँ पे इन्होंने एक नया लैंड फॉर्म किया जो कि कहलाता है पेंजिया, ऑप्शन टू।
विच ऑफ द प्लैनेट्स हैज़ नो सैटेलाइट, जिसका कोई भी सैटेलाइट नहीं है, तो ये है आपका वीनस, ऑप्शन टू इज करेक्ट। और ऐसा कौन सा प्लैनेट है जिसके सबसे ज़्यादा सैटेलाइट है, तो नंबर वन पे आपका आता है सैटर्न, इसके सबसे ज़्यादा है, और नंबर टू पे जो आपका आता है वो जुपिटर आता है। विच एलिमेंट मेक्स अप टू 50% 46.6 अराउंड 50% ऑफ द मास ऑफ द अर्थ क्रस्ट। देखिए ये दो तरीके से क्वेश्चन होते हैं, एटमॉस्फेयर में पूछा जाता है वो अलग होता है, अर्थ की क्रस्ट के कंटेक्स्ट में पूछा जाता है वो अलग होता है। तो देखिए ये पूछा गया है कि अराउंड 50% जो है एलिमेंट वो कौन सा है अर्थ की क्रस्ट में, तो सबसे ज़्यादा मैं यहाँ लिख फिर से लिख दे रहा हूँ, प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था अर्थ की क्रस्ट में सबसे ज़्यादा जो पाया जाता है वो ऑक्सीजन, फिर सिलिकॉन, फिर एल्यूमिनियम और फिर आयरन। तो ये अराउंड 47% और ये आपका होता है 28% और एल्यूमिनियम आपका ये 8% होता है और ये आपका 5% होता है, कुछ इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन रहता है। तो देख लीजिए कौन सा है ऑक्सीजन। ओके थैंक यू फ्रेंड्स, ये था आज आपका SSC ज्योग्राफी का PYP 4, मिलते हैं PYP 5 में।